इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। गेम्स के 9वें दिन भारत के कुल 14 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। यही नहीं, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और हॉकी जैसे इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पहुंचकर मेडल जीतना सुनिश्चित कर लिया है। बता दें कि बीते दिन भारतीय रेसलर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड और इतने ही कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों के 57 किलो भार वर्ग में पहलवान रवि कुमार दहिया ने भारत मेडल हासिल किया। रवि दहिया ने फाइनल मुकाबले में नाइजीरिया के ई विल्सन की तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी और वहीं रेसलर विनेश फोगाट ने नॉर्डिक सिस्टम के तहत आयोजित 53 किलो भार वर्ग इवेंट में गोल्ड जीता। तो नवीन पाकिस्तान में मोहम्मद शरीफ ताहिर को 74 किलो भार वर्ग के फाइनल में बॉयफॉल के जरिए 9-0 से मात देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा पूजा गहलोत, दीपक नेहरा और पूजा सिहाग भी रेसलिंग में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने में सफल रही। इधर पैरा टेबल की बात की जाए तो वहां भारत का वर्चस्व देखने को मिला। भाविना पटेल ने महिला एकल में स्वर्ण, जबकि सोन लबेन मनुभाई पटेल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। गौरतलब है कि भारत ने बीते दिन 14 मेडल हासिल किए। इसके बावजूद भारत अब भी मेडल टैली में 5वें स्थान पर ही है। भारत के नाम 13 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मेडल टैली में 49 गोल्ड, 46 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। वहीं भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में 13 गोल्ड सहित 40 मेडल हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में काफी अच्छा प्रदर्शन जारी है। बीते दिन भारत को कुल 14 मेडल मिले हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं खेल एक्सपर्ट केजे सिंह जी। केजे, बताएं, लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा जारी है और क्या आप अनुमान लगा पा रहे हैं आने वाले दिनों में? 9 दिन हो चुके हैं इस खेल को जारी होते हुए। देखिए, एक तो हॉकी चालू हो रहा है, जो क्रिकेट में भी उन्होंने सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा, एक मेडल वहां पक्का हो गया। टेबल टेनिस में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बॉक्सिंग में देखिए, बॉक्सिंग और रेसलिंग में तो बहुत ही अच्छा, जैसे कि पहले भी करते आए इंडिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 13 गोल्ड जीत चुके हैं अभी तक देखा जाए तो। अब लास्ट के जो दिन है अभी जो चल रहे हैं उसमें कॉमनवेल्थ गेम में एक मैं समझता हूँ कि बॉक्सिंग में और मेडल मिल सकते हैं हम लोगों को, और खासकर एक तो देखिए हॉकी में भी पक्का मेडल हो जाएगा, क्रिकेट में भी पक्का मेडल हो जाएगा, तो कुल मिला के तैयारी इस बार बहुत अच्छी होने वाली देखा जाए तो। और तैयारी में मैं समझता हूँ कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी बहुत अच्छी हुई है, लोगों को मोटिवेशन बहुत मिला है। तो ये लोगों को समझ में आ चुका है कि हम अगर परफॉर्म करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और देखिए मोहम्मद शरीफ ताहिर ने भी 74 किलो वर्ग में फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और कुल मिला के देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में जो पूरे दल की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही है। जी केजे, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा और अभी भी जारी है, आगे भी उम्मीद की जा रही है, इससे आने वाले खिलाड़ियों को किस तरह का मोटिवेशन मिलेगा, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? ये मोटिवेशन इससे ये होता है, देखिए आज की तारीख में अगर कॉमनवेल्थ गेम में जिस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जब वो भारत आएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं वर्ल्ड एथलीट्स में या वर्ल्ड गेमिंग में, और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स जो 8, 10, 12 साल के लड़के हैं तो उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि ये खिलाड़ी जहां जहां जाएंगे अपने अपने जिस अकेडमी में ये संबंधित हैं वहां जाके जब अपना वहां पे वापस से जब पहुंचेंगे अपने अकेडमीज में और सब खिलाड़ियों को पता लगेगा कि ये इस बच्चे ने एक मेडल जीत किया है, तो सब बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है और अकेडमी भी नई नई खुलती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई एक तरह से भारत में गेम्स के लिए। देखिए आप पीछे भी देखा जाए ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा इन्होंने मेडल जीत के आए थे, और अभी भी जिस हिसाब से अभी खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम लोग आगे बहुत तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस बहुत कर रहे हैं हम लोग। जी जी केजे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे खेल एक्सपर्ट केजे सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में।